देखिए, एज ए कोच मैं चाहूंगा कि विराट अच्छा करें इस मैच में, और भारतीय टीम से भी मुझे यही आशा है कि शानदार प्रदर्शन होगा और भारत ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंचेगा। 50वीं सेंचुरी टॉप ऑफ द टाउन है, उम्मीद है कि वानखेड़े में बनेगा, क्या सोचते हैं? आई कैन प्रे फॉर दैट, और सभी उनके फैंस, सभी देशवासी प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो। सर, विराट की फिटनेस काफी शानदार है और अभी लगता है कि आगे भी खेलेंगे। कल रोहित के कोच ने कहा कि शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, ऐसा कोच लगता है कि विराट अभी खेलेंगे आगे? नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलें। सर, एक चीज और है कि भारत का जो प्रदर्शन रहा है एक तरफा रहा है, 9 मैचेस से 9 जीते हैं भारत। सिर्फ न्यूजीलैंड का जो मैच था उस मैच में थोड़ी सी मुश्किल का सामना हुआ था, एक ऑस्ट्रेलिया के मैच में थोड़ी मुश्किल हुई थी। तो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा भारत का, तो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज चल रही होगी टीम की, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह का मोमेंटम है भारतीय टीम के साथ और जिस तरह भारतीय टीम खेल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वो डिफरेंट कंडीशंस में हम हारे हैं उनसे, अब यहाँ पर हमारी अपनी कंडीशंस है, हमारे अपना स्टेडियम है और हमारे इतने फैंस भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, भले आप गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, तो ये टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, बहुत अच्छा मोमेंटम है टीम के साथ, मोराल हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी होनी चाहिए। वानखेड़े ग्राउंड एक अपने आप में बहुत अलग तरह का ग्राउंड है जो बैट्समैन को भी मदद करता है और बॉलर्स के लिए भी काफी कुछ रहता है यहाँ पे, तो आप इस पिच को कैसे एनालाइज कर पा रहे पिछले जो 4 मैचेस यहाँ हुए उसको देख करके? देखिए, ये विकेट अच्छा बैटिंग ट्रैक होता है और बाद में शाम के टाइम लाइट्स में थोड़ा सा सीमर्स को हेल्प करता है, तो ये एक मैं कहूंगा पॉजिटिव विकेट है जहां पर बल्लेबाजी करने में भी मजा आता है क्योंकि बॉल बैट पर आता है तो सभी बल्लेबाज उसको लाइक करते हैं। विराट कोहली के कई सारे पर्सनल माइलस्टोन्स भी इस वर्ल्ड कप में देखे जाएंगे, उनका वर्ल्ड कप का अगला शतक, तीसरा शतक आ सकता है, 50वें शतक की भी गिनती चल रही है, तो विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, क्या उनके ऊपर किस तरह का मानसिक दबाव होगा इस मैच में परफॉर्मेंस को लेकर के या फिर किसी और तरह का? बिल्कुल भी नहीं, वो एंजॉय कर रहा है, इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और मैं तो यही विश करूंगा कि वो इसी सेम मोमेंटम को कंटिन्यू करें।